नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आनंद राठी की टेक्निकल दिवाली पिक्स 2024 में। पिछली बार जब टेक्निकल दिवाली पिक्स हमने निकाली थी इन द ईयर 2023, एट दैट टाइम ऑन निफ्टी वी वर एट 19,000 के आसपास थे और हमारी उम्मीद थी कि यहाँ पर सब चीज अच्छी हो जाएगी। काफी जियो पॉलिटिकल इश्यूज थे, US में काफी बॉन्ड यील्ड को लेकर इश्यूज थे और वहां पर 18,800 के आसपास निफ्टी ने बॉटम बनाया और इस बार हमने देखा दिवाली से पहले 26,000 का हाई बनाया। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हमने हमारे मार्केट्स में देखा, तकरीबन 24,550 के आसपास हम आए। आज हम तकरीबन 24,750 के आसपास है निफ्टी। सो चलिए हम पहले इस साल का व्यू देख लेते हैं कि क्या होगा, उसके बाद हम हमारी टेक्निकल दिवाली पिक्स शेयर करेंगे। सो करंटली अगर मैं बात करूं तो निफ्टी इज एट 24,750-24,800 लेवल्स और अभी का जो लो है 550 यानी 24,550 का, हमें लगता है कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट वी माइट बी हेडिंग टूवर्ड्स न्यू हाई। फर्स्ट पहला स्टेप ये होगा कि निफ्टी एक बार के लिए नए हाई की तरफ जाएगा, जा सकता है, जो कि 26,200 के ऊपर है। वो एक बार होता है तो यहाँ पर 24,550 का क्रूशियल सपोर्ट है। वो ब्रीच होता है तो पहले मैं ये बता दूं क्या हो सकता है। ये ब्रीच होता है तो तकरीबन 23,800 और मे बी 24,000 के आसपास तक की जगह है ऑन द डाउनसाइड, तो वो भी हो सकता है। बट हमारा ऐसा मानना है कि हम ऐसा विश करेंगे कि यहाँ से एक बार पहले नया हाई बना ले मार्केट, तो एक अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ऑन द अपसाइड अगर ये रिकवरी आती है तो पहला तो 25,500 तक का लेवल है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो उसके बाद 26,200 के ऊपर एक नया हाई निफ्टी बना सकता है एंड देन इट कैन एक्सटेंड दैट रैली ऑल्सो। सो वो तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे जो भी न्यूज लेटर है उसके थ्रू, बट ये एक ब्रॉडर शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। उसके बाद हमें लगता है कि यस, मार्केट में एक अच्छा खासा एक और बड़ा डिप, इस बार जो डिप आया उससे थोड़ा सा बड़ा और डिप देखने को मिल सकता है, बिकॉज देर आर सर्टन टेक्निकल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म चार्ट्स की हम अगर बात करें तो RSI जो है, मंथली RSI ऑफ निफ्टी, वो 80 के ऊपर जाके आ रहे। पिछले 10-11 साल में हमने 2-3 बार ही देखा है कि इतना ज्यादा ओवरबॉट होता है और उसके बाद एक टेम्पररी टॉप जैसा मार्केट में बनता है। तो ओवरऑल वी फील दैट वो हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ मार्केट में हो और एक अच्छा खासा फिर से मीनिंगफुल करेक्शन, कहते हैं ना हेल्दी करेक्शन इन द मार्केट कुड बी सीन, बट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बाउंस आ जाए। सो ये एक ब्रॉडर व्यू हमारा आने वाले कुछ महीनों के लिए, बिकॉज जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है अपने यहाँ पे हमारे। इस बार पिछली बार भी ऐसा ही था बट लकीली सब अच्छा हो गया दिवाली पिक्स के निकलते, बट इस बार थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इशू काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम US का भी इलेक्शन है, तो ये सारे फैक्टर्स मार्केट में वोलेटिलिटी बना के रखेंगे। इतना इजी नहीं होगा इस दिवाली से आने वाले दिवाली का सफर। सो उसी के साथ चलिए चलते हैं। हमने कुछ 7 स्टॉक्स इस बार लिए हैं दिवाली पिक्स के लिए, खास करके टेक्निकल्स में, और ऐसे स्टॉक्स लिए मोस्ट ऑफ देम। एक दो स्टॉक ऐसे है जहाँ पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आया, बट मोस्ट ऑफ देम हमने ऐसे लिए जहाँ पे काफी अच्छा खासा 30-40% टॉप से करेक्शन आ गया है। ये हमने इसलिए लिया बिकॉज हमें लगता है, जैसा हमने बताया कि मार्केट में डाउनसाइड और भी पॉसिबल है आने वाले कुछ महीनों में, तो उस डाउनसाइड में ये स्टॉक्स कम गिरे क्योंकि ऑलरेडी गिरे हुए, इस वजह से हमने ये सारे स्टॉक्स चुने हैं। तो एक बार एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ सारे स्टॉक्स। पहला तो हमने जो चुना है दैट इज IFCI। तकरीबन इसको 61 से 56 की रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। इसका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है वो 44 का रहेगा। टारगेट ऑन द अपसाइड, पहला टारगेट 80 का, दूसरा टारगेट 88 रुपीज का। सभी स्टॉक्स में टाइम फ्रेम 1 साल का, इस दिवाली से अगले दिवाली, ठीक है। दूसरा स्टॉक है IRB, ये भी एक छोटा 2 डिजिट का स्टॉक है। इसका भी 60 से 55 के रेंज में आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कीजिए, जब भी मार्केट में डिप आता तब कीजिए। ओवरऑल इसका जो स्टॉप लॉस है वो 43 का रहेगा। ऑन द अपसाइड टारगेट 2 है इसके भी, एक 79 का है, दूसरा टारगेट है 86 रुपीज का। तीसरा जो स्टॉक हमें पसंद है वो है JWL, दैट इज जुपिटर वैगन्स, रेलवे स्टॉक हमने चुना है। 525 से लेकर 495 की रेंज में हमें धीरे धीरे इसको जमा करना है। ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस जो है 390 का रहेगा। टारगेट ऑन द अपसाइड विल बी 700 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 760। ये हो गए 3 स्टॉक्स। चौथा स्टॉक हमने जो लिया है वो
मेटल सेक्टर से लिया है, वी आर क्वाइट बुलिश ऑन सिल्वर, हम देख रहे हैं सिल्वर काफी चल रहा है राइट, तो साथ ही साथ उसमें हमने हिंजिंग को चुना है एनएससी से, तो हिंजिंग हमें खरीदना है 520 से लेकर 480 की रेंज में, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 380 का लगाना है, अपसाइड टारगेट 680 और दूसरा टारगेट जो रहेगा 750 का रहेगा। पांचवा स्टॉक हमने टाटा ग्रुप से लिया है, हाल ही में लिस्टेड हुआ स्टॉक, काफी हाल ही में यानी कि थोड़ा समय हो गया, कुछ महीने हो गया, बट यस काफी अच्छे जगह पर आ गया है, दैट इज टाटा टेक। टाटा टेक हमें पसंद है टाटा ग्रुप से, 1080 से लेकर 1040 की रेंज में इसमें धीरे धीरे एक्युमुलेशन करना है, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 865, अपसाइड टारगेट रहेगा 1360-1450। फिर हमने शिपिंग स्टॉक्स में से एक स्टॉक चुना है, दैट इज GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसको खरीदना है 1780 से लेकर 1700, 80 पॉइंट की एक रेंज है, इसमें धीरे धीरे एक्युमुलेट करना है, 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2425 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 2650। लास्ट हमारा जो स्टॉक है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज BEML, हमारे रिकमेंडेशन के बाद थोड़ा अच्छा चला है, बट यस अभी भी इसको धीरे धीरे लिया जा सकता है, हमने इसको रेकमेंड किया था तकरीबन 3900 के पास, सो 3900 से 3700 की रेंज में धीरे धीरे आप लीजिए जब भी आपको मिलता है। ओवरऑल स्टॉप लॉस विल बी 2975, पहला टारगेट रहेगा 4800, दूसरा टारगेट रहेगा 5400। सो दोस्तों ये थे हमारे 7 टेक्निकल दिवाली पिक्स 2024 बाय आनंद राठी। अब मैं एक दो इम्पोर्टेंट बात कहूंगा आपकी आपके लिए, देखिए ये सारे स्टॉक्स में हमें वीकली बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर मानो कि यहाँ पर कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यू हो तो, और हमारा जो व्यू है कि एक मार्केट में पहले रिकवरी आएगी उसके बाद एक फिर से बड़ा करेक्टिव मूव आता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता और यहाँ से वन साइड मार्केट गिर जाता है या फिर जब भी करेक्शन आता है तब बहुत बड़ा करेक्शन अगर हो जाता है बिकॉज जियोपॉलिटिकल इश्यू कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि सारे स्टॉप लॉसेस के पास स्टॉक्स आ जाए, तो उसके ऊपर हम एक नया वीडियो भी बनाएंगे, सो प्लीज कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद रिगार्ड्स टू दिस वीडियो, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है हम तो यही उम्मीद करेंगे, विल प्रे फॉर दैट कि ऐसा कुछ ना हो, हमें दूसरा वीडियो बनाना ना पड़े, बट पिछली बार इन दिवाली 2023 आल्सो सिमिलर सिचुएशन वाज देयर, और तभी भी हमने यही कहा था कि हम शायद इसका अपडेटेड वर्जन बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, अगर स्टॉप लॉस इसके पास हमारे स्टॉक्स आए तो, so we might possibly make that, so keep yourself updated, weekly basis पर closing basis का stop loss लगाना है, ये दो चीज, और तीसरी सबसे important बात, इसका जो हमने सारे 7 picks दिए, इसका detailed technical report यहाँ पर नीचे गए description में आपको link एक दी गई रहेगी उस पर दिया है, so please go through that detailed report before investing, पूरे report को आप देखिए, समझिए, risk factor देखिए, and then you invest in the given picks. So with this we'll end today's video. Thank you very much guys, and I wish ki aap sabhi ki Diwali happy and prosperous ho, aur aane wale Diwali mein jab hum mile to ye sare stocks ke acche bhav aa jaye, aur sath hi sath markets mein aapko acha wealth create ho aane wale ek saal mein. So isi ummeed ke sath aaj ka hum video khatam karte hain. Happy Diwali to all of you. Thank you. Hello friends, this video is an audio visual version of our research recommendations. Please refer to our research report for further details. Thank you very much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.